नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां नवरात्र में योगी सरकार के मंदिरों पर रामायण आयोजन के आदेश पर संबल सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पैसों से पूजा नहीं होती है, पैसे देकर योगी पूजा करा रहे हैं, पूजा में सियासत का दखल दिया जा रहा है और मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो क्या उन्हें कोई पैसे देता है। अपने मतलब ये कि जो उसके दिल की भावनाएं हैं और दिल के जो हालात हैं, जो उससे गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी माफ़ी चाहने के लिए बग़ैर पैसों के की जाती है। और ये कोई तरीक़ा नहीं है कि आप उसमें भी सियासत को दखल दे रहे हैं, आप पैसे देकर पूजा करा रहे हैं तो पूजा ही कब होगी। पूजा तो वो है जो आदमी दिल से करे, जो खुद करे जी। और मुसलमान है, अब नमाज पढ़ते हैं, वो क्या किसी से कोई पैसा देता है उन्हें? लेकिन हम अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, कि हमसे रोज़ गलतियां होती हैं, रोज़ खताएं होती हैं, उसकी माफ़ी के लिए प्योरिफिकेशन। वहीं 6800 शिक्षक भर्ती का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि राजधानी लखनऊ में सूबे के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। घंटों तक धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने 5 सदस्यीय डेलीगेशन ने संदीप सिंह से मुलाकात कर अपनी बात रखी, जिसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों को 20 दिनों का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती का मामला जो है लगातार जोरों पर है। इसमें कई पेज फंसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर तमाम जो है 6800 के जो अभ्यर्थी हैं ओबीसी आरक्षण का मामला उठा के अपनी बात रखने, अपनी मांगों को रखने के लिए मौजूद है। हम आपको दिखा सकते हैं कि हजारों की संख्या में लगभग जो अभ्यर्थी है यहाँ पे मौजूद है और सुबह से यहाँ पे मौजूद है, अपनी मांगों को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कई प्ले कार्ड लेके जो है ये अभ्यर्थी अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि 6800 शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो सरकार जल्दी ही इस प्रक्रिया को पूरी करे और लगभग 2 साल से वो इस इंतजार में है कि उनको नियुक्ति मिलेगी, सरकार उनको नियुक्ति देगी और वो नौकरी करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में एक काम करेंगे, एक अलग जगाएंगे। लेकिन अब तक जो है उनको नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तमाम तरह के पेचे जो हैं इसमें अभी देखे जा सकते हैं और कई लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं, देख सकते हैं आप लोग कि सभी लोग जो है एक एक प्ले कार्ड लेके जो है ये सब लोग हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप कब से यहाँ पे हैं? हम लोग जो 2 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं और ये जो है पहले हमको न्याय दे दिया था शिक्षा मंत्री जी ने और जो है योगी आदित्य जी ने, तो जो है ये जो है न्याय अधूरा रह गया है। यही पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, फिर जो है रिविजिट कराई मुख्यमंत्री जी ने, पूरी लिस्ट खंगाल के जो है उसमें 6800 की विसंगति पाई गई, जिसमें आरक्षण सूची जारी की गई। कॉन्फ्रेंस के जरिए शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि जो है इसमें 6800 लोगों को जो है पिछड़े आरक्षित वर्ग के हैं जो उनकी जो है नियुक्ति रह गई है, जिससे हम जो है नई लिस्ट जारी करके उनको नियुक्ति प्रदान करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हमीरपुर से। हमीरपुर से। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के हर एक कोने से, सूबे के हर एक कोने से ये अभ्यर्थी आ रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 साल का समय हो चुका है लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है, परिणाम आने के बाद भी वो बेरोजगार हैं, अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? बांदा से। सर बांदा से आए? कब से आए हैं आप? सर हमारा धरना 2 वर्षों से चल रहा है, ये भर्ती लगभग 4 वर्षों से फंसी हुई है। जो भी आरक्षण का घोटाला, एक तो सरकार पहले मानती नहीं थी कि आरक्षण घोटाला हुआ है, बड़े मुश्किल से माना है। मानने के बाद जो 6800 लिस्ट जारी की गई उसमें भी इन्होंने इतनी बेकार की पैरवी की, इनके अधिकारियों ने और जो मंत्री जी हैं इस समय इनकी भी देखरेख में इतनी बेकार की पैरवी हुई है कि उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी लिस्ट रद्द हो गई। अब आप कह रहे हैं कि सरकार जो है आप लोग की पैरवी सही तरीके से न्यायालय में नहीं कर रही है? जी नहीं कर रही है। और उसके बाद भी देखिए न्यायपालिका का हाल,
न्यायपालिका किस तरह का फैसला दे रही है, जब डबल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि आप इस तरह नहीं कर सकते हैं, तो इसके बाद भी सिंगल बेंच ने ऐसा फैसला उसके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैसे दे दिया? ऐसे ही चुनाव आरक्षण वाला में भी लोगों ने क्या किया कि भाई पिछड़े और दलितों को जो है कि अब जो चुनाव में जो है वो भाग नहीं लेंगे, फिर आंदोलन हुआ। देखिए स्वतंत्र है, यदि स्वतंत्र है तो इस तरह के फैसले क्यों दे रही है? कई लोग ये कह रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में भी कुछ घोटाले हुए हैं। घोटाला हुआ ये 6800 सीटों को उसने माना 6800 सीटों का घोटाला, लेकिन घोटाला इससे ज्यादा है। उसमें भी हम देखिए इतने दिनों से परेशान है, आज तक नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, और ओबीसी के मंत्री भी इस समय बैठे हुए हैं तब भी कोई उसका फायदा नहीं हो रहा है। ऊपर से ये है कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी हैं, इनका कहना है कि ओबीसी वर्ग जो 6800 की बात कर रहा है उनकी नियुक्ति जो है अब तक क्लियर नहीं हो पा रहे, यह सरकार जो है ओबीसी वर्ग की हितैषी की बात करती है। कहते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं, उप मुख्यमंत्री जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन लगातार इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है अभी तक पूरी तरीके से प्रोसेसिंग नहीं हुई है। एक बात और कहना चाहते हैं कि देखिए सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने ये सब काम किया है, उनकी देख रेख में मंत्रियों की इनके अधिकारियों की सह पे ये हुआ था, उसके बाद भी इस समय जो बैठे हुए हैं यदि ये नियुक्ति हमारी नहीं देते, हम इनके विधानसभा क्षेत्र में उनके पिताजी जो सांसद हैं उनके संसदीय क्षेत्र में जाके इनके खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे और इनका राजनीतिक करियर समाप्त करेंगे हम। इधर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जो है अपने जो है बनियान पे 6800 शिक्षक लिख के जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर मैं बाराबंकी से आया हूँ, ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ योगी सरकार जी से कि जो है 6800 जो है एससी ओबीसी का जो हक जो है जनरल लोग हमारे बैठे हुए हैं और वो लोग 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, मैं योगी सरकार से कहना चाहता हूँ कि हम लोग शूद्र हैं तो वो मेरे स्थान पर नौकरी कर रहे हैं तो मुझे नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? अगर उनको वो मेरे स्थान पर नौकरी कर रहे हैं तो जो अगर उनको दी जा सकती है तो कहने में आ रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी में भी तो घोटाले हुए हैं कुछ, इस तरह की बातें आ रही हैं। नहीं नहीं नहीं, एससी ओबीसी की 19,000 सीटों को घोटाला हुआ था, ठीक, एनसीपीसी की रिपोर्ट आई थी उसमें 6800 सीटें मानी गई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने 5 जनवरी को 2022 को लिस्ट निकाली थी मुख्यमंत्री जी ने और मुझे न्याय देने के लिए नियुक्ति देने के लिए कार्य किया था, लेकिन उसके बाद अधिकारियों की लचर पैरवी की वजह से मुझे आज तक नौकरी नहीं मिल पाई और हम एससी ओबीसी सूत्र हैं इसलिए हम जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ठीक, रास्ते में घूम रहे हैं, यहाँ धरना कर रहे हैं, 2 साल से धरने कर रहे हैं लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिल पाया है और जो है जो जनरल के जो 6800 व्यक्ति हैं वो नौकरी कर रहे हैं मेरे स्थान पर, ये कहाँ का न्याय है, ये कैसा रामराज्य है? मैं कहना चाहता हूँ अगर योगी जी रामराज्य लाना चाहते हैं तो हम 6800 को जो है कब तक चलेगा आपका ये प्रदर्शन, कब तक चलेगा? तक चलेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंतिम हमारा जो वो यानी कि धरना है, यानी करो या मरो, यहाँ पर मर जाएंगे या तो नियुक्ति लेकर जाएंगे। योगी जी कहते हैं कि रामराज है और राम को केवट ने पार किया था, हम केवट समाज से हैं, मला समाज से हैं, तो हमारा पार करें नैया 6800 की नैया पार करें। योगी जी अगर राम जब केवट को पार किया था, नियमावली में क्या ये था कि ओबीसी और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके कट ऑफ एक जैसे होंगे, क्या ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था, इतना कट ऑफ आया है कि 68 जर्नल और ओबीसी का एकदम बहुत कम कट ऑफ। क्या कट ऑफ गया ओबीसी वर्ग का? ओबीसी का हमको लगता है 66 पॉइंट 69 पॉइंट जो है वन गया था, उसके बाद में जो है हम लोगों को जो है जो एससी ओबीसी के जो जनरल में क्वालिफाई कर रहे थे तो एससी और ओबीसी के जो जनरल से ज्यादा मार्क ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ किया गया था। तो बताइए योगी सरकार खुद कहे कि भाई पिछड़ा वर्ग आयोग जब रिपोर्ट कह दिया कि 6800 का घोटाला हुआ है तो जल्दी से लिस्ट जारी करो, तो पिछड़ा आयोग रिपोर्ट ने जारी कर दिया, मान भी लिया और शिक्षा मंत्री भी मान लिए तो 6800 जारी हो गया। मान लिया तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत इस बात की आ रही है कि फिर सब शूद्रों को अगर नौकरी दे दिया जाएगा नहीं करेंगे, बात ये है इसलिए नौकरी नहीं दी जा रही है। अगर ये कहाँ लिखा गया है कि जात व्यवस्था से नौकरी होती है? अगर होता तो आज हम नौकरी करते हैं, रोड पर घूमते ना, मैं कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए मुझे यही लग रहा है कि योगी जी अगर वास्तव में दलितों पिछड़ों के हितैषी होते तो हमें जो है न्याय मिल जाता, यहाँ पर मुझे रोड पर लड़ना न पड़ता, यहाँ पर जो है हम धूप में यहाँ जो है यहाँ पर अपने जो है आंसू न बहा रहते, खून पसीना न बहा रहते। मैं चाहता हूँ कि अगर योगी जी वास्तव में ओबीसी दलितों के हितैषी हैं तो मुझे तत्काल जो है
आदेश करें, आज ही मंच के द्वारा जो है आदेश करें और हम लोग को न्याय दें, और या तो डबल बेंच में जाए या तो कोर्ट ने यह भी माना है, कहा है कि अगर सरकार चाहे तो उसे नीति में पॉलिसी में चेंज ला सकती है और इन लोगों को एडजस्ट भी कर सकती है। अगर योगी जी वास्तव में हमारे हितैषी हैं तो हमें जो है इसी लिस्ट में जो है आज भी मंच पर जो खुले मंच पर बोलकर कह सकते हैं कि एससी ओबीसी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, समायोजन कर लिया जाए इनका। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ये अभ्यर्थी हैं 6800 अभ्यर्थी हैं लगातार अपनी बातों को सामने रख रहे हैं और लगभग 2 साल से अपनी नियुक्ति की सरकार से मांग भी कर रहे हैं। तमाम नारे जो है अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जा रहे हैं, हम आपको और भी दृश्य जो है अभ्यर्थियों की दिखा सकते हैं और भी लोगों से जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से अलग अलग तरीके से अनोखे तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मेरा नाम योगेश है, मैं हाथा जिले से आया हूँ। हम 6800 विद्यार्थी इतने परेशान हैं, 1.5 साल हो गई हमें संघर्ष करते करते। मुख्यमंत्री जी के आदेश से लिस्ट आई थी उसको भी रद्द कर दिया गया। हम पिछले दलित शूद्र कहाँ जाएं, किससे बात करें? बस हमें आश्वासन मिलता है, न्याय नहीं मिलता, पूर्ण न्याय हमें कम मिलेगा, हम ऐसे ही मर जाएंगे, क्या करें हम? ये बताइए कि आपने जो है टी शर्ट निकाल के, शर्ट निकाल के जो है ये लिखा है कि हाँ मैं शूद्र हूँ। हम बताना चाहते हैं कि हम श्रवण नहीं है, हम शूद्र हैं, हमको नियुक्ति दो, हमें नियुक्ति दो। श्रवण लोग एक दिन में नियुक्ति ले गए थे, 68500 भर्ती में एक दिन में नियुक्ति ले गए थे, हमें 15 माह हो गए। क्यों? क्योंकि हम पिछड़े दलित हैं, चुनाव के टाइम पे ही याद आते हैं हम पिछड़े दलित। हम बस पिछड़े दलित चुनाव के टाइम पे याद आते हैं, बाकी बाद में सब भूल जाते हैं हम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विरोध करने का इन अभ्यर्थियों ने एक नया और अनोखा तरीका भी अपना लिया है। मैं आपको पीछे भी दिखा सकता हूं कि लोग अपने बनियान पे भी तमाम तरह की चीज़ें ओबीसी एससी 6800 ये चीज़ें जो है लिखकर बाकायदा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकायदा प्ले कार्ड है सबके हाथ में और सुबह से यहां धरने पे बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं और 2 साल का लगभग समय हो चुका है इनका कहना है और मानसिक रूप से ये प्रताड़ित भी हो रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, अपना हक रख रहे हैं। और अभ्यर्थियों का कहना है कि ये सरकार जो है हमें हमारा हक नहीं दे रही है। आप बताइए कब से हैं आप, हैं कहाँ से आए हैं? मैं अमित वर्मा, जिला हाथरस से आया हूँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गूंगी बहरी सरकार को, क्या हम पिछड़े दलित शूद्र केवल चुनाव के समय ही आपको याद आते हैं, उस समय बाद में याद नहीं आते? माननीय योगी जी के शासन के आदेश के अनुसार हमारी 6800 की लिस्ट आई, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि हाँ घोटाला हुआ, लेकिन इन भ्रष्ट मनुवादी अधिकारियों ने, लचर पैरवी अधिकारियों ने क्यों हाईकोर्ट में करी, क्यों हमारे लिए निर्णय नहीं लिए, उचित निर्णय नहीं लिए? क्यों? क्योंकि हम पिछड़े दलित शूद्र हैं, यही वजह है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो शिक्षक भर्ती घोटाले की बात थी, पिछड़ा वर्ग ने भी इनकी बातें मानी, ये लोग न्यायालय तक गए, वहाँ भी इनकी बातें सुनी गई। और ये शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद जो है किस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये थोड़ा से जातीय संघर्ष में भी बदलता दिखाई दे रहा है। इन लोग का आरोप है कि ये ओबीसी वर्ग से आते हैं, एससी वर्ग से आते हैं, इसलिए इन लोग को ज्वाइनिंग जो है वो नहीं दी जा रही है। बहुत बड़ा आरोप जो है सरकार पे लगाया जा रहा है। हम और भी कुछ लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे और सुनेंगे कि क्या कुछ वो कहते हैं। कहाँ से आए हैं आप और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम लोग आए हैं मंत्री जी के जिले से, हम लोग आए हैं अतरौली से और मंत्री जी से वहाँ पर हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, मंत्री जी हमारी वहाँ भी नहीं सुनते। हम लोग अब यहाँ पर आए हैं और जाएंगे अपना न्याय दे के। हमारी मांगे हैं कि हम जो सिंगल बेंच में इन्होंने, इनके भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्होंने दलित और पिछड़ों का हमारा जो आरक्षण है वो खा लिया है। हमको वो चाहिए और हमको हमारी नियुक्ति चाहिए। 6800 सीटों का इन्होंने घपला किया, इन्होंने माना और मानने के बाद लाइव आके, इनसे पूर्व जो मंत्री रहे उन्होंने लाइव वीडियो में कहा, आपके चैनल पर ऐसे ही बहुत से मीडिया चैनल पर उन्होंने खुद कबूल किया कि 6800 सीटों की विसंगति हुई है। विसंगति नहीं, ये बहुत बड़ा घोटाला है, जो इसकी जांच स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कराई, उसमें उन्होंने पाया कि 6800 सीटें हैं जो दलित पिछड़ों की नहीं दी गई। अब उसी को फिर इन्होंने डबल बेंच में जाके, इनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, गलत पैरवी करके, हम सिंगल बेंच में गलत पैरवी करके ख़त्म करा दी। आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो सही तरीके से पैरवी नहीं कर रही है, आप एक शिक्षक समाज से आते हैं जी, आपके लिए कोई जात या धर्म कोई मायने नहीं रखता, किसी भी जात का बच्चा अगर आपके पास आएगा तो आप उसे सामान्य शिक्षा देंगे जी, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जो आप लोग की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं एक जातीय संघर्ष में बदल रही है? आपने बिल्कुल सही कहा, इससे पहले 69000 शिक्षक भर्ती से पहले कभी हमको महसूस ही नहीं हुआ कि हम दलित पिछड़े हैं। हमको इन भ्रष्ट अधिकारियों ने महसूस कराया है कि आप दलित पिछड़े हो, इसीलिए इन्होंने नौकरी खाई। अगर हम दलित पिछड़े नहीं है तो हमारी नौकरी क्यों खाली?
संविधान में जो 27% 21% आरक्षण दिया गया है, जिसकी व्यवस्था की गई है, वो हमसे क्यों छीन लिया गया? दलित पिछड़े होने के कारण ही तो छीना गया। तो आप बताइए, हम कहाँ से राजनीतिक हो गए? अगर हमारा दलित पिछड़ों का आरक्षण जो है बाकायदा दिया गया होता तो समाज नौकरी कर रहे होते, हमारी जगह गलत लोग नौकरी कर रहे हैं। और हमसे ये कह दिया गया कि अब आप लोग दोबारा फिर पैरवी करिए। अब हम डबल बेंच क्यों जाएं? लिस्ट आपने दी, गवर्नमेंट लिस्ट निकालती है, उनकी लिस्ट कैसे हो जाती है? तो फिर इसमें कोई किसी को कोई सजा क्यों नहीं? ऐसे ही ये लोग खेलते रहेंगे 1.5 साल से हमारे साथ। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में यहाँ अभ्यर्थी ने संदीप सिंह जो कि मंत्री हैं उनके आवास का घेराव किया था। सुबह से यहाँ पे डटे थे, बैठे थे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे अमरेन से कि क्या कुछ अंदर से बातचीत भी हुई, क्या अंदर बातचीत हुई? अंदर बात यही हुई कि जो भी हमारे मांगे थे वो सरकार ने मानी है कि हम लोग इस पे विभाग से बात करके, न्याय विभाग से बात करके और सारी चीज़ें करके हम लोग हाई कोर्ट के डबल बेंच होगा या आपके लिए कोई प्रक्रिया बनानी होगी, आपके लिए कोई विधिक न्याय करना होगा तो वो हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर आपकी बातें 15-20 दिन के अंतराल में नहीं सुनी जाती है तो क्या एक्शन होगा, क्या प्लान है? हम लोग एक्शन क्या हुआ, अभी 2000 आए हैं, हम 4000 आएंगे, 8000 आएंगे, अब तो लोग होते लोग जागेंगे और लोगों को जगाएंगे, जो पीड़ित हैं वो आएंगे। ये जैसे आप शिक्षक समाज से आते हैं, एक शिक्षक का कर्तव्य है किसी भी वर्ग, किसी भी जात, किसी भी धर्म के बच्चे को अच्छी शिक्षा देना और समाज में उसके दायित्व का निर्वहन करना, लेकिन आपको कहीं नहीं लग रहा है कि इस प्रकार के आंदोलन से, प्रदर्शन से एक जातीय संघर्ष जो है वो शुरू हो सकता है? नहीं नहीं, बेसिकली दिक्कत ये है ना कि हम एक जाति समुदाय के थे तभी हमें इस 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर रखा गया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा तब हमको नियुक्ति दिया। अगर हम बेसिक अगर एक जाति समुदाय से ना होते, पिछड़े दलित ना होते तो अब हम लोग भी नियुक्ति पा गए होते। हमें उससे तो हमको अपनी पीड़ा तो बतानी पड़ेगी ना, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम पिछड़े दलित हैं, हम क्यों परेशान हैं? हम धूप में हमें मरने का कोई शौक नहीं है कि हम लोग आके यहाँ धूप में हमें शौक है कि हम यहाँ मरें। ठीक है, आप अपनी दुर्दशा का दोषी किसे मानते हैं? हम ये दुर्दशा का दोषी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 2 दिन में कहा कि वो न्याय दे दे रहे हैं तो 2 दिन में न्याय क्यों नहीं मिला? हम तो बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों को मानते हैं। अमरेंद्र जो डेलीगेशन में थे, वो डेलीगेशन जो बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने गया था, अपनी बात करने गया था, अपनी बातों को रखने गया था, उसके बाद मुलाकात करने के बाद वो अभ्यर्थियों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से उनसे बातचीत हुई और हमसे बातचीत करने उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी हमारी बातों को सुना, हमारी समस्याओं को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह प्रक्रिया बेहद जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर ये प्रक्रिया 15 से 20 दिनों के अंदर नहीं पूरी होती है तो और भी ज़्यादा संख्या बल में यहाँ आएंगे और फिर से अपनी मांगों को और भी बुलंद आवाज में उठाएंगे। लखनऊ से विवेक शाही, प्राइम टीवी। फरीदाबाद में पीने के पानी सीवर की समस्या से सेक्टर 55 के लोग काफी परेशान हैं। कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी जब समाधान नहीं निकला तो ये लोग एकत्रित होकर नगर निगम कार्यालय पर पहुंच गए, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इलाके के लोगों ने सेक्टर में बनाए जा रहे फ्लैट्स को लेकर एक निजी कंपनी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक प्रशासन उनके सेक्टर इलाके के लोगों को ही सीवर की समस्या से निजात नहीं दिला पा रहा है, इन फ्लैट्स के बनने के बाद जीवन नरकीय हो जाएगा। चाहे वो पीने के पानी की हो, दूसरा बरसाती पानी को निकासी की, दो दो बूंदे पड़ी है 3 दिन पहले, आज भी जाके देखो हमारे सेक्टर में भरे पड़ा है, मतलब 3-4 फुट पानी है। और अब एक नई चीजें, दूसरा एक कोई हमारे सेक्टर के साथ कंपनी थी मौर्या कंपनी, वो प्लाटिंग करनी शुरू कर दी, वो उसका बरसात का पानी, अभी तो हम अपना सेक्टर ही नहीं झेल पा रहा था, वो भी बरसात का पानी हमारे यहाँ आएगा। और जो सेक्टर कटता है ना, उसकी सीवर की, पानी की, सेक्टर की प्लाटों के अनुपात के हिसाब से मिल रहे हैं। कल क्या भी रिकॉर्ड चेक करो, कल दो एक दिन तक लाइट तक नहीं आती है, उसी पर एक्स्ट्रा लोड डाल जाएगा, बिजली पावर पे डाल जाएगा, पानी पे डाल जाएगा, सीवर में जाएगा, तो हम लोगों की क्या हालत होगी, क्या दिशा होगी आगे चल के? हमारे समय तो बहुत पहले से ही समस्या आ रही है, लेकिन अब ये जो कॉलोनी आ रही है इसके लिए रोकथाम की जा रही है किसी तरीके से, ये हमारे ऊपर 1000-2000 आदमियों को बसा हुआ कॉलोनी हमारे ऊपर जाके बोझ न बने। हाँ, अभी नगर निगम ज्ञापन देंगे, अभी हम आए प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने के लिए अंदर जाएंगे। जैसे वहाँ पे वोट लगी हुई है, वो नाम को सेक्टर है, लोग बाग ये कहते हैं ये सेक्टर है कि ये तो लोकल एरिया से भी बदतर है, हम लोग इतने पैसे लगा के आप लोगों को टैक्स पे करते हैं, क्या फायदा है उसका हमारा? उसमें 4 बूंद गिर जाए तो सारा सारा रोड ऐसे भर जाता है, वो गटर है ओवरफ्लो होने लगते हैं,
तो हमारी आपसे एक गुजारिश है, कई साल से जो ना ये वो कर रहे हैं, इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हाँ हाँ करके चले जाते हैं लोग। हमारा मेन मुद्दा यही है जी, हमारा तो ये गली जो ना ये इसका पानी का हमारा वो हमारी तो निकासी नहीं है घर से जाने की, बाहर जा ही नहीं पाते, ये कितने कितने पानी रुक करेगा, ना निकाला होगा कैसे करेंगे, फिर इसके पानी को निकाला जाए बस और रोड बनाई जाए। हमारी यही समस्या, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारा ये काम किया जाए बस। तो अधिकारियों से मिले हैं क्या, कोई आश्वासन आपको मिला है क्या? आश्वासन ये है कि हाँ जी करेंगे, अभी 3 महीने तक कर देंगे, देख रहे हैं कार्यवाही हो रही है, पर फिर कोई बात नहीं होती, सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, आश्वासन दे देते हैं। क्या दिक्कतें हो रही है कि घर के सामने पानी भरा हुआ है, बीमारियां बढ़ रही होंगी? हाँ बीमारियां तो है ही, बीमारियां तो हो ही रही है, बुखार हो जाते, बुखार ठीक होने में नहीं आते। यूपी के अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने पिछले साल मई में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं की भर्ती के लिए परीक्षा कराई थी और 6 अगस्त को आयोग ने अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया था। बता दें कि इन भर्तियों के बीच में मामला कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को राहत देते हुए 7,000 से ज्यादा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं की नियुक्ति पर एकल पीठ द्वारा लगाई गई रोक को समाप्त कर दिया। वही रोक को समाप्त किए जाने के बाद भी सरकार की तरफ से इनको नियुक्ति पत्र तक नहीं दिया गए। इस समय हम पिकअप वाहन के पास खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एप्रिन पहने हुए एएनएम के जो बहने हैं वो यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर आई है, हाथ में प्ले कार्ड है, एएनएम को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराइए, वी वांट ज्वाइनिंग के प्ले कार्ड लगा रहे हैं और तमाम तरह के प्ले कार्ड के साथ साथ ये अपने हाथ में पोस्टर भी लगाए हुए हैं। इन लोगों से हमने बातचीत की तो ये मामला पता चला कि इनकी जो है वो ज्वाइनिंग जो है काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई है। सरकार ये कह रही है कि इनकी ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन अब तक इनकी ज्वाइनिंग यानी नियुक्ति जो है नहीं हो पाई है और हर जगह से ये संविदा पे अलग अलग जगह पे पोस्टेड हैं, संविदा कर्मी हैं और नियमित रूप से ज्वाइनिंग को लेकर ये सभी एएनएम के जो लोग हैं, जो बहनें हैं, वो परेशान हो रही हैं और हर जगह पे अपनी मांगों के लिए दौड़ रही हैं। इनका कहना है कि कुछ एक इनकी साथियों ने डिप्रेशन की वजह से, तनाव की वजह से सुसाइड भी कर लिया है, 5 लोगों ने। ये बताइए, सरकार ये कह चुकी है नियुक्ति कराएंगे, लेकिन मामला जो है किसी तकनीकी कारण की वजह से न्यायालय में है, न्यायालय में सरकार कोई तक नहीं, तो जो चीज है उसको रोक के बाकी और सबको तो करवाइए, जो है जो क्लियर है उनको तो। अच्छा, 4 लोग को इसी वैकेंसी प्लानिंग हो चुकी है, जिनकी टीवी नहीं थी इस वाले केस में, सिलेक्टेड नहीं थी वो, उन्होंने कोर्ट में जाके अपना 4 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी गई। हम लोगों ने पूरे प्रोसेस के साथ परीक्षाएं पास की है जी, टीवी का उनका हुआ है और बाकी यहाँ हम लोग का सब कुछ होने के बाद भी। तब आप कह रहे हैं कि बिना परिणाम के और बिना परिणाम उत्तीर्ण किए 4 लोग की ज्वाइनिंग हुई है, लेकर की उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, बल्कि हम लोग का डीवी सब कुछ होने के बाद भी हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग कहाँ कहाँ जाए। ऊपर से सरकार का कहना है कि हम लोग को 6 अगस्त को ज्वाइनिंग दे गई है, अगर दे दी गई तो 6 अगस्त से लेकर के अब तक हम लोग की सैलरी जोड़ के दे दिया जाए हम लोग के अकाउंट में, हम लोग आराम से घर पे बैठ के हम लोग सैलरी ले लें, हम लोग को नहीं जरूरत है काम करने की, लेकिन कम से कम इतना तो करे जो लड़कियां जो संविदा पे थे वो लोग काम छोड़ करके घर बैठे हैं, इंसान परेशान हो रहा, डिप्रेशन में कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं, उसके बाद भी सरकार को समझ में, अभी कितने लोग जान देंगे कि सरकार समझे बात को, कहाँ कहाँ हम लोग जाएँ जी। मैं संविदा पे काम करती हूँ, लेकिन मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है परमानेंट में, तो इसमें क्या हुआ है जी, UP SSC के माध्यम से एनम में हमारा परमानेंट के पद पर सभी की मतलब 7,000 जो लड़कियां यहाँ सभी खड़ी हैं, बहनें सबको परेशानियां हैं। अब हुआ क्या है इसमें, इसमें हमें 21 फरवरी को मिलने वाला था ज्वाइनिंग लेटर, अब इसमें क्या हुआ है 20 की रात को हमें न्यूज़ मिलती है सचिव सर के द्वारा कि तुम्हारा मतलब 277 को, ये कुछ EWS का मैटर था, इनको रोक के 6,831 को दे, हाँ 6,912 को दे दी जाएगी। अब इसमें क्या हुआ है, ना तो ही कोर्ट में ही कोई हेयरिंग हुई है, अभी 20 तारीख लगी थी उसमें कोई इन्होंने कुछ जमा ही नहीं किया है, और ना ही अब 28, अब इनको पता था हम लोग 28 में आने वाले तो 28 की डेट बोल दी इन्होंने, लेकिन अभी 28 में भी कुछ इन्होंने जमा नहीं किया है। अब हम जगह जगह जा रहे हैं, क्या किया जाए, डेट पे डेट ही मिल रही है। और ये देखो जिसके बच्चे 9th क्लास में आए हैं वो बच्चे एडमिशन कब कराएंगे, उनका 1-1 साल 2-2 साल उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है ना, तो सर को सोचना चाहिए, हम जगह जगह घूमते फिर रहे हैं और जो बहनें हैं डिप्रेशन में जा रही हैं, तो सर को कुछ तो, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 में देने वाले हैं, ऐसा थोड़ी है, ये नहीं करना चाहिए।
आगे आगे बोलिए। एक साल से भटकते फिर रहे हैं हम लोग, और एक 100 दिन की ज्वाइनिंग के 100 दिन के में कार्य योजना में देना था ये। बोलो सर, 100 दिन के कार्यकाल में ये योजना थी, जहाँ पे योगी जी, माननीय योगी जी कह चुके हैं कि हमारा काम ही, मतलब ज्वाइनिंग हम इतने बच्चों को दे चुके हैं, जबकि सर ये झूठी बात है। पेपर में ये देखिए, पेपर में निकला हुआ है जो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ डेट मिल रही है, हम लोगों को कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली है। बच्चे के साथ हमारी बहनें परेशान हो रही हैं, यहाँ से वहाँ भटक रही हैं, कभी गोरखपुर जा रही हैं, कभी यहाँ लखनऊ आ रही हैं, कई बहनें डिप्रेशन में हैं। ये है 277 सीटों को होल्ड करके 20 तारीख को आया था, 20 फरवरी को कुछ, और 6912 बच्चों को ज्वाइनिंग देने के लिए, हमको ज्वाइनिंग तो नहीं मिली। फिलहाल डेट पे डेट मिल रही है, कभी 20 तारीख की डेट मिलती है, कभी 28 तारीख की डेट मिलती है। कल हमारी 28 तारीख को डेट लगी है, सुनने में ये आ रहा था कि डेट लगी है, पर अभी डेट लिस्टेड नहीं हुई है। हमारे 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 9000 बहनों के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार, आप कहना चाहती हैं सरकार जो है कोर्ट में पैरवी नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, कम से कम पैरवी करे आयोग, हमारे लिए पैरवी करे। और यहाँ तक कि अभी तक प्रोविजनल के डीवी भी इन लोगों ने नहीं करवाई है, कम से कम प्रोविजनल वालों के डीवी तो करवा देते हैं ना, वो उनका भी नामो निशान कहीं पे भी नहीं है। 1622 लड़कियाँ हैं, 20 विद हेल्ड की है, उनका कोई काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ, सिर्फ रिजल्ट निकाल के दे दिया कि प्रोविजनल में आपका डॉक्यूमेंट्स में कमी है, कम्प्लीट करवा के बैठे हैं, इंतजार करें कि हमें बुलाए, हमारे डॉक्यूमेंट जमा करवाए, हमें डिस्ट्रिक्ट दिया जाए और हमारी ज्वाइनिंग करवाई जाए, पर अभी तक कुछ नहीं कर रही है। 6912 का तो मैटर भी नहीं है, मैटर भी नहीं हुआ। 8831 सारी टोटल है ना, इसमें से एक का भी काम अच्छे तरीके से नहीं हुआ। बोल रही है एक साथ करेंगे, एक साथ सबकी ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन डेट जो है उस पर सुनवाई तो करे, कुछ काम तो करे। सरकार कोई काम ही नहीं दिखा रही है कि हम लोग के लिए कुछ काम कर रही है, मतलब हम लोग किस पे विश्वास करें, किस बात पे विश्वास करें कि हमारे लिए काम हो रहा है। क्या मामला है और कहाँ से आए हैं आप? हम लोग का मामला ये है कि हम लोग यूपीएससी SSC में, मतलब हम लोग का ये हुआ है, सिलेक्शन हुआ है एनम में, और 6912 लोगों को बोले थे कि ज्वाइनिंग देंगे, और 277 लोगों को बोले थे कि निकाल के जो फ्रेश है उनको ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन इस पर अभी मतलब सरकार द्वारा और आयोग द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं किया जाए। बस वो बोले हैं कि कोर्ट में ये है, जब कोर्ट से आएगा तो आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, और सरकार ये बोल दिया है, न्यूज़पेपर में भी निकाला है कि आप लोगों को, इन लोगों को 8821 को ज्वाइनिंग दे दिया गया है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग सर सिर्फ हम लोग हर जगह ज्ञापन दे रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की चयन प्रक्रिया में आपका नाम आया था, प्रक्रिया में हमारा नाम है, और हम लोगों को नियुक्ति पत्र 21 तारीख को मिलने वाला था, 21 फरवरी को मिलने वाला था, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से EWS का मैटर आ गया 277 लोगों का, फिर वो बोले कि मतलब ये कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट जो ऑर्डर देगा उसी हिसाब से ज्वाइनिंग दिया जाएगा, फिर उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 277 लोगों को बाहर निकाल के बाकी 6912 लेकिन इस पर अभी कोई भी कार्य नहीं चल रहा है। सिर्फ हम लोगों को यही बताया जा रहा है कि आज आज आगे सुनवाई होगी, आगे सुनवाई होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, ना सुनवाई हो रही है और ना हम बस हम लोग हर जगह जगह दौड़ रहे हैं, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी कल की रात में एक हमारी बहन डिप्रेशन की वजह से जौनपुर की थी, जिसका निधन हो गया है। हम लोग मतलब इतने लोग डिप्रेशन में जाके कम से कम 2-4-10 लोग खत्म हो चुकी ये ज्वाइनिंग को लेकर, फिर भी सरकार आग बंद की है, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई भी ज्वाइनिंग हम लोग को नहीं दे रहा है, ना ही कुछ भी कर रहा है। हम लोग दर बदर जहाँ बोला जा रहा है गोरखपुर जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, हर जगह हम लोग जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। बस सरकार से हम लोग यही मांगे कि हम लोगों की जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे और हम लोग को नियुक्ति पत्र बांटे। 277 की लिस्ट मांगी गई थी 8831 में से, तो वो लिस्ट जब पेश नहीं कर रहे तो हमारा रिजल्ट वहाँ से कैसे आएगा कोर्ट से? ये अपना काम कर नहीं रहे हैं, आयोग पेश नहीं कर रहा है, आयोग नहीं कर रहा है। उनसे ये नहीं कहा गया था कि आपको होल्ड करना है, आपको करना बस हमें लिस्ट दे दीजिए 6912 की, जबकि हमारे पास पेपर है। आपको कोई सूचना दी जा रही है? कोई सूचना नहीं है। 21 को हमारा मिलने वाला था, वो भी होल्ड कर दिया गया। 20 तारीख को लास्ट में 11:30 बजे रात को मैसेज आता है कि नहीं हुआ है। एक बहन हमारी कल रात में एक्सपायर कर गई है सिर्फ डिप्रेशन की वजह से, और 4 पहले भी कर चुकी हैं। 6912 से उनको परमिशन लेना है कोर्ट से, वो भी नहीं कर पा रहे आयोग वाले। 4 लोग नौकरी कर रहे हैं, एक ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वैकेंसी में 4 लोग नौकरी कर रहे हैं और बाकी लोग ठोकर खा रहे हैं? ये कभी नहीं। 9212 थी सेलेक्ट हुए हैं, नहीं 8821
व्यक्ति सेलेक्ट हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं 1622 लोग प्रोविजनल में हैं, उनका डीवी भी नहीं कराया गया है, प्लस 7189 जो है वो फ्रेश सिलेक्टेड है, तो उसमें से 277 उन्होंने लिस्ट मांगी हुई है। 6912 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनको नियुक्ति पत्र अतिशीघ्र हम देंगे, वो भी लेटर हमारे पास है, लेकिन अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला गया, जबकि 4 लोग को साइड से उन लोगों ने बुला करके नियुक्ति पत्र दे दिए। तो ये तो चोरों की तरह घुसा दिए है। हम लोग पूरा संविधान पार करके आए हुए हैं, पूरा नियम पार करके आए हुए हैं, हमें सिलेक्टर नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो एक तरफ जहां योगी सरकार लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने की कोशिश करती है, नवीन परियोजनाएं ला रही हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में औचक निरीक्षण करते हैं, लेकिन एएनएम का जो कार्यकर्ताएं हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 8000 से ज़्यादा पद इसमें थे और उसमें से कई लोग जो है परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ 4 लोगों की ज्वाइनिंग कराई है, और इनका आरोप है कि वो 4 लोगों ने परीक्षाएं उत्तीर्ण भी नहीं की थी, वो उनका सिलेक्शन भी पूरी तरीके से नहीं हुआ। बाकी तकरीबन 7000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो परीक्षाएं उत्तीर्ण करके अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दी जा रही है। आयोग से जब बार बार वो जानकारी मांग रहे हैं तो आयोग अपना मुँह इनसे फेर रहा है। ये संविदा पे काम करने वाले लोग हैं, एनएम लोग हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में इनकी काफ़ी जरूरत होती है। हर जगह पे हमने देखा है कि एनएम के जो कार्यकर्ताएँ होती हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मजबूती की तरह काम करती हैं, लेकिन इस समय अपने नियुक्ति पत्र को लेकर जो है वो मामला फंसा हुआ है। लखनऊ से विवेक शाही, प्राइम टीवी।